राजस्थान के एकमात्र व्हाइट टाइगर चीनू की लंबी बीमारी के बाद रविवार सुबह मौत हो गई। चीनू को पिछले साल 17 मार्च को जू एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत उड़ीसा की नंदनकानन जू से जयपुर लाया गया था, जिसके बाद से ही चीनू नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की शान बना हुआ था। पिछले एक सप्ताह से चीनू की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा चीनू का उपचार भी किया जा रहा था। रविवार सुबह चीनू ने दम तोड़ दिया। जयपुर के सीनियर वेटनरी डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि चीनू पिछले कुछ वक्त से किडनी की बीमारी से परेशान चल रहा था, जिसके बाद बीते एक सप्ताह से मेडिकल बोर्ड की देखरेख में चीनू का इलाज जारी था। इस दौरान ड्रिप लगा उसे कई टेस्ट भी करवाए गए। शनिवार को चीनू की तबीयत में कुछ सुधार भी हुआ था, रविवार को उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई और ऐसे में अब मेडिकल बोर्ड की देखरेख में तीनों के पोस्टमार्टम के बाद ही उसकी मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा। जयपुर में पिछले 33 महीने में 10 बिग कैट्स की मौत हो चुकी है, जिनमें 3 केनाइन डिस्टेंपर, 1 की कार्डियक अरेस्ट, 3 की लैटापायरोसिस और 2 अन्य बीमारियों से मारे गए। इनमें सुजैन सेरनी की 19 सितंबर 2019 को केनाइन डिस्टेंपर से मौत हुई थी। इसके बाद रिद्धि बाघिन की 21 सितंबर 2019 को केनाइन डिस्टेंपर से मौत हुई। वहीं सीता की 27 सितंबर 2019 को केनाइन डिस्टेंपर से ही मौत हुई, जबकि रुद्र बाघ की 10 जून 2020 में लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हुई थी। सिद्धार्थ शेर की 11 जून 2020 को ही लेप्टोस्पायरोसिस से मौत, जबकि राजा नाम के सफेद बाघ की 4 अगस्त 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस के कारण ही मौत हुई। कैलाश शेर की 18 अक्टूबर 2020 को कार्डियक अरेस्ट होने से मौत हो गई। वहीं तेजस शेर की 3 नवंबर 2020 को लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हुई। तारा शावक की 12 दिसंबर 2020 को कमजोरी से मौत हो गई। तो सफेद बाघ चीनू की 10 जुलाई को संभवतः लेप्टोस्पायरोसिस से मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।